आज हम अगला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज हम जो अगला हरफ सीखेंगे वो है एम। एम को जो है वो दरमियान लोअर केस एम को इस तरह से लिखते हैं। एक बनाई आपने, फिर दो, फिर तीन, एक दो तीन। आप इसकी प्रैक्टिस करें। और जो उर्दू में इसका लफ्ज़ है वो मीम है, ठीक है। तो आपने कभी रात को आसमान के ऊपर देखें तो आपको क्या चमकता हुआ नज़र आता है? एक तो सितारे होते हैं छोटे छोटे, और जो बड़ी चीज़ चमकती हुई नज़र आती है उसको कहते हैं चांद। शाबाश। और चांद को इंग्लिश में कहते हैं मून, MOON। मून को कहते हैं उर्दू में चांद। चे अलिफ नून दाल। और जब हम मिला के लिखेंगे तो ये बनेगा चे अलिफ चा नून दाल चांद मून। और आपको गर्मियों में एक फल आता है वो पीले रंग का होता है, मीठा होता है, उसको क्या कहते हैं? आम। शाबाश। और आम को इंग्लिश में कहते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो जो है उसको उर्दू में कहते हैं आम। और एम से और क्या शुरू होता है? आपके घर में अम्मी है, अम्मी को इंग्लिश में कहते हैं मदर, MOTHER, मदर। अम्मी को इंग्लिश में मदर कहते हैं। और माउथ, जो हमारा मुंह है उसको माउथ कहते हैं, वो भी एम से शुरू होता है, MOUTH, माउथ। और उसके उसके अलावा आप देखें कि मॉर्निंग जो है सुबह, मॉर्निंग कहते हैं सुबह को, वो भी एम से शुरू होता है, मॉर्निंग। माउथ को मुंह कहते हैं और सुबह को मॉर्निंग कहते हैं। तो आज हमने सीखा एम। एम जो है वो इस तरह से लिखते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे। और उर्दू में मीम की आवाज़ की तरह एम निकालता है, इससे शुरू होता है। रात को आप आसमान पे देखें तो आपको चांद नज़र आएगा। चांद को इंग्लिश में मून कहते हैं। फिर मैंगो को, आम जो है उसको मैंगो कहते हैं। फिर हमारे घर में अम्मी को मदर कहते हैं इंग्लिश में, और मुंह को माउथ कहते हैं, और मॉर्निंग कहते हैं सुबह को।